नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ सीएम शाहबाज खान, यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। युवाओं से एक विनंती और रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यंगस्टर पार्टी में जमिए। ना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग आज देश चलाने के लिए आ गए हैं, तो इनको हटा के इनकी सीट पे, इनकी कुर्सी पे तो बैठने वाले हम हकदार हैं। आपको जो है बेकार में इन लोगों को कैंपेनिंग करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी अपनी लाइफ को हम सुधारने लग जाएंगे ना, तो पूरा देश कभी भी गरीबी के अंडर में नहीं आएगा। हम आप कितनी भी कोशिश करेंगे, ये आपको सीट नहीं देने वाले। आपको कॉर्पोरेटर की सीट नहीं मिलेगी, एमएलए की नहीं मिलेगी, एमपी की नहीं मिलेगी। मैं माना कि हम जुल्म के तराजू में तुल रहे हैं, लेकिन इतना भी शराफत का जमाना भी नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं सीएम शाहबाज खान, यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी जो है, ये देश की जो है नौजवानों की, क्योंकि मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी जो है एक नए भारत का चेहरा है, और नए युवाओं को जो है प्रोत्साहित करने का स्टेज है। युवाओं को जो है यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी में एम्पावर करने के लिए यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी बनाई गई है। यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी जो है, आपने देखा होगा, मैंने भी कई सारे पार्टियों में काम किया है आज तक, लेकिन कभी भी युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, ये कहने के लिए सिर्फ काफी है कि ये युवाओं का देश है। लेकिन युवा को कभी भी जो है कॉर्पोरेटर की सीट नहीं मिलती, युवा को जो है एमएलए की सीट नहीं मिलती, युवा को जो है एमपी की सीट नहीं मिलती, युवा को जो है मुख्यमंत्री का बनने का कभी भी कोई पद ऐसा ऑफर नहीं होता, युवा को जो है कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलती, युवा को जो है प्रेसिडेंटशिप नहीं मिलती, युवा को जो है कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया आज तक है। लेकिन यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी की कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में 224 एमएलए जो हैं केवल युवा लड़ेंगे। ये युवाओं की, बूढ़ों की, महिलाओं की, बच्चों की, सारी लोगों की पार्टी है, लेकिन युवाओं को सबसे ज्यादा, युवा लड़कियां हो चाहे युवा लड़के हो, आपको आगे आना जरूरी है। आप दूसरी पार्टियों में जो है केवल कार्यकर्ता के रूप में, या आप वार्ड प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुक प्रेसिडेंट, इसी में अपना जीवन गंवा रहे हो। आप दूसरों का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, कभी भी आप अपना सपना पूरा करने के लिए, आपको पहले ही हमारे इस समाज में डराया जाता है। एमएलए इलेक्शन यानी कि बहुत बड़ा इलेक्शन, कॉर्पोरेटर इलेक्शन या बहुत बड़ा इलेक्शन, एमपी इलेक्शन यानी कि मतलब आप जिंदगी में लड़ी नहीं सकते ऐसा इलेक्शन। अगर ऐसा होता तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ते, या वो संविधान नहीं लिख पाते, उनके साथ बेगम एजाज रसूल ना होती, तो आज संविधान के दायरे में जो है इतना अच्छा कानून नहीं बना पाता, या हम कानून को समझ नहीं पाते, या इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। केवल आप जो है पंक्तियों में रह चुके हो, अपनी जिंदगियां गंवा चुके हो, आप एक एक पोस्ट के लिए मरते हो, जबकि आपकी काबिलियत है कॉर्पोरेटर बनने की, आपकी काबिलियत है एमएलए बनने की, आपकी काबिलियत है एमपी बनने की। आप ये सोच रहे होंगे ना कि हमें कौन सीट देगा, इसीलिए तो यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी बनाई गई है, आप लोगों के लिए पार्टी बनाई गई है। आप अपनी जवानी जो है इनके यहां पर वेस्ट मत करो, आप चाहे किसी भी पार्टी के हो। देखो, मेरी एक लड़ाई है भगत सिंह की तरह, मैं इस युवा नेताओं को तैयार करना चाहता हूं, इस युवा भारत को, नव भारत को, मैं नव कर्नाटक को बनाना चाहता हूं। तो मैं आपको इस रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे यंग स्टार पार्टी के ऐप को डाउनलोड करके, यंग स्टार पार्टी से मेंबर बनके आप यंग स्टार पार्टी में जुड़ जाइए। आपको यहां पर एमएलए एमपी की सीट के लिए जो है लाखों रुपए घूस देकर आने की जरूरत नहीं है, आपको भ्रष्टाचार देकर आने की जरूरत नहीं है। छोटा स्टेट है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट ने आईआरएस कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सीएम बन गए। तो मैं, आप और हम क्यों नहीं कर सकते, आप और हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? भारत का संविधान ये थोड़ी कहता है कि आप पूरी जिंदगी किसी की पार्टी में लगा दो। भारत का संविधान ये कहता है कि आपका भी फंडामेंटल राइट्स है, जीवन एक युद्ध है, ये युद्ध को आपको भी लड़ना है, मरते दम तक हमें भी लड़ना है, इस युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो तैयारी क्यों ना जीत की जाए। जरूरी नहीं है आप एक बार में एमएलए खड़ के जीत जाएंगे, या एमपी खड़ के जीत जाएंगे, या आपने छोटे से छोटा कॉर्पोरेटर लड़ा हार गए, ये
ये बात नहीं है, लेकिन आप जो है इस इंडिया के अंदर 99% लोगों को ये सिखाया जाता है कि पढ़कर आपको नौकर बनना है। ऐसे समाज को बदलने के लिए यंगस्टर पार्टी लेकर आए हैं, आपके नए नए आइडियाज को इनोवेशन करके वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। बहुत सारी महिलाएं बगैर काम के बैठी हैं, बहुत सारे युवा जो हैं उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। हम क्यों ना इसकी शुरुआत ऐसे करें कि हम इनको खुद उत्पादन करने का तरीका बताएं, हम खुद इनको बिजनेस ट्रेनर होकर ट्रेन करें और खुद इनको बताएं कि हम पैसे कमाएं कैसे जाते हैं। केवल पॉलिटिशियन बनकर व्हाइट कपड़े पहनकर फिरते रहते हैं, ऐसे हमें नहीं बनना है जीवन के अंदर। इनको जो है हमें एक नया भारत को नए तरीके से, नया हमें जो है एक इनोवेशन कर हमें भी जो है एक नए भारत का निर्माण करना है। इसके लिए केवल ये पॉसिबल हो पाएगा आप या हमारी वजह से, ये युवाओं की वजह से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी में जम जाइए। यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी जो है, आपको आज तक आपने देखा होगा किसी भी पार्टी में आप काम कर रहे हो, कभी आपको पेमेंट आया क्या? कभी आपके घर में 15,000 के पैसे, 15,000 रुपए की नौकरी समझकर आपने लेके जाके दिया क्या? आपको ये सिखाया जाता है कि समाज सेवा करो, आप जो है 30-50 साल हमारे यहाँ पर काम करने के बाद जो है आपको एक सीट ऑफर होगी, वो कॉरपोरेटर की होगी, जो कि कॉरपोरेटर के इलेक्शन लड़ने के लिए 2 करोड़ लगेंगे, 5 करोड़ लगेंगे, जबकि भ्रष्टाचार ये खुद करते हैं, भ्रष्टाचारी ये लोग हैं और जो है युवाओं को जो है कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें जो है इन लोगों को कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करना था, हमें इलेक्शन लड़ना था। आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। मैं इस रिवाज को तोड़ते हुए आप युवाओं से एक विनंती और रिक्वेस्ट करता हूं, आप यंगस्टर पार्टी में जमिए, अपनी अपनी सीट जो है फिक्स कीजिए, अपने अपने जगह पर काम स्टार्ट कीजिए, अपने अपने, देखिए पहली बार में ही हम इलेक्शन जीत जाएंगे, पहली बार में पूरे देश में जो है हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, इस संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इनके जो है हमें पीछे इर्द गिर्द घूम के, ये MLA साहब हैं, ये कॉरपोरेटर साहब हैं, ऐसा नहीं करना है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पीछे इनको घुमाना, ये अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग आज देश चलाने के लिए आ गए हैं, तो इनको हटा के इनकी सीट पे, इनकी कुर्सी पे तो बैठने वाले हम हकदार हैं, हमें बैठना चाहिए। तो यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी आपको ये मौका बना के देती है, स्टेज बना के देती है, आप भी पैसे कमाओ, दूसरों को भी कमाने का मौका दो, आप भी एक हुनरमंद बनो, दूसरों को भी हुनरमंद बनाओ। नेतागिरी केवल नेतागिरी बनने में नहीं है, जो है लोगों के सपोर्ट के साथ साथ उनके घरों का जो है जीवन कैसे चले, इस चीज की भी आपको चिंता करनी जरूरी है। ये आपको जो है बेकार में इन लोगों को कैंपेनिंग करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी अपनी लाइफ को हम सुधारने लग जाएंगे ना, तो पूरा देश कभी भी गरीबी के अंडर में नहीं आएगा। हम इस गरीबी की रेखा को खत्म कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी को ज्वाइन कीजिए और साथ दीजिए, और जो है यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपको सीट नहीं देने वाले, आपको कॉरपोरेटर की सीट नहीं मिलेगी, MLA की नहीं मिलेगी, MP की नहीं मिलेगी। मैं तो ये कहता हूं, हक अपना छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, माना कि हम जुल्म के तराजू में तुल रहे हैं, लेकिन इतना भी शराफत का जमाना भी नहीं है। आज से कोशिश करने लग जाओ, एक दिन जो है हम कामयाब होके ही रहेंगे, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उड़ते हुए उनके पंख बोलते हैं, जमाने में खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप जो है यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हम हर दिन मिलते रहेंगे। यंगस्टर पार्टी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए, आपको सारी सुविधा घर बैठे पहुंचाई जाएगी, डिजिटल कैंपेन किया जाएगा, डिजिटली सारी चीज प्लेटफॉर्म को यूज कर हमारी पार्टी देश की सबसे पहली डिजिटल पार्टी होगी। इसलिए आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।